मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में शनिवार दोपहर को एक चार्टर प्लेन क्रैश हो गया। विमान में एक पायलट और एक ट्रेनी पायलट सवार थे। हादसे में दोनों की मौत हो गई। एक की बॉडी दो चट्टानों के बीच चलती हुई नजर आई। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर रवाना हो गई। हादसा बालाघाट जिले के लांजी और किरनापुर के बीच भक्कूटोला कोसमारा की पहाड़ी पर हुआ। ATC गोंदिया के AGM कमलेश मेश्राम ने बताया कि घटना में ट्रेनी पायलट रुक शंका वर्सुका और इंस्ट्रक्टर मोहित की मौत हो गई है। बालाघाट SP समीर सौरभ ने बताया कि यह प्लेन ट्रेनी विमान था जो महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की बिरशी एयर स्ट्रिप से उड़ा था। घटनास्थल बालाघाट जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जहां प्लेन गिरा है वहां दोनों ओर पहाड़ है। पहाड़ों के बीच में करीब 100 फीट गहरी खाई में प्लेन का मलबा मिला है। घना जंगल और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण रेस्क्यू टीम और अफसरों को मौके पर पहुंचने में समस्या हो रही थी। आपको बता दें, जानकारी अनुसार पूरी घटना दोपहर करीब 3:20 की है। ये विमान हादसे से करीब 15 मिनट पहले ही बिरशी हवाई पट्टी से उड़ा था। फिलहाल बचाव दल वहां पहुंच गया। अभी हादसे की वजह पता नहीं चली है।